हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीत रेसिपीज में। तो आज हम बनाएंगे गर्मियों के लिए दो तरह की लस्सी, यानी कि छाछ। तो एक मैंगो लस्सी होगी और एक मसाला लस्सी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम मैंगो लस्सी रेडी कर लेते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लगा बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो ऐसे एक मैंगो लिया है मैंने, जो गर्मियों में नॉर्मली मिल जाता है इजीली। तो इसको पहले छील लेते हैं हम, ऐसे इसके पतले पतले छिलके आप उतार ले। तो ऐसे मैंगो को मैंने अच्छे से छील लिया है। अब हम इसके स्लाइसेस कट कर लेते हैं। हमें मैंगो के इन स्लाइसेस से लस्सी को डेकोरेट भी करना है, तो ऐसे छोटे छोटे पीसेस आप इसके कट कर लीजिए। ऐसे तो ऐसे मैंगो को मैंने कट कर लिया है। एक मैंगो से हमारे ये दो तीन ग्लास इजीली लस्सी बन जाएगी। तो सबसे पहले हम ब्लेंडिंग जार में दही डालेंगे। तो ऐसे दही के दो बड़े चम्मच हम इसमें डाल देते हैं। तो ऐसे अब हम इसमें मैंगो डाल देते हैं। मैंगो के थोड़े से पीसेस आप ऐसे गार्निशिंग के लिए रख सकते हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे तीन छोटे चम्मच ऐड कर रही हूँ। तो दो चुटकी के बराबर मैं इसमें इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं पानी। तो बस इतना ही ऐड करूंगी मैं। तो अब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो ये ब्लेंड हो चुकी है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल स्मूथ ऐसे हमारी ये मैंगो लस्सी रेडी हो गई है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं गिलास में। तो ऐसे एक गिलास में आप इसको निकाल लें। तो ऐसे मैंगो लस्सी हमारी ये रेडी है। अब हम इसको गार्निश करने के लिए दो तीन स्लाइस ऐसे मैंगो के ऊपर डाल देंगे। तो मैंगो लस्सी हमारी रेडी है। अब हम बनाते हैं चटपटी मसाला लस्सी। तो इसके लिए भी दो बड़े चम्मच ऐसे दही के, तो इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, 1/4 टीस्पून नमक। तो ऐसे ही 1/4 टीस्पून काला नमक, और इसके साथ हम इसमें डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर। ये आप घर पे आसानी से रेडी कर सकते हो, तवे पे इसको भून के पीस लीजिए। तो इसको चटपटा टेस्ट देने के लिए थोड़ा सा चाट मसाला, 1/4 टीस्पून के बराबर। तो ऐसे थोड़ी सी ग्रेट की हुई अदरक, और अगर आप चाहते हैं तो थोड़ी सी ऐसे बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अदरक और हरी मिर्च से बहुत ही अलग सा फ्लेवर आता है लस्सी में, तो आप ये लस्सी जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए अब हम इसमें भी थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये लस्सी भी हमारी ऐसे रेडी है। तो ऐसे इसको भी एक गिलास में निकाल लेते हैं। तो इसको ऐसे थोड़े से बारीक कटे हुए हरे धनिए और जीरे पाउडर के साथ आप इसको गार्निश कर सकते हैं। तो बस ये मसाला लस्सी भी हमारी रेडी है। तो देखिए कितनी जल्दी और कितनी आसानी से हमारी ये दो तरह की लस्सी बनके रेडी हो गई है। तो आप भी इन गर्मियों में इन लस्सी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।